नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 4 की संख्या में हमलावर आए थे और उन लोगों ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी स्थिति अभी बेहद बेहतर बताई जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश के पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की ही तस्वीर जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से हमलावर आए थे, हमला करते हैं और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी का शीशा टूट जाता है, शीशा बिखर जाता है गाड़ी के अंदर। और जो भीम आर्मी के तमाम समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि गुंडे नहीं, अपराधी नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो लोग हमला कर रहे हैं कौन से लोग हैं? तो मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। बल्कि जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से चलते हैं तो उनके साथ उनके तमाम समर्थक रहते हैं, जिनकी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 होती है, तो अपने समर्थकों के साथ चलते हैं और सरकार की तरफ से कोई उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करते थे, दलितों की आवाज़ बुलंद करते थे, तो बड़ा सवाल यही कि वे कौन से लोग हैं जो इसको नहीं पचा पा रहे हैं। अब ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं और वे लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करवाने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद को समय रहते अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि कौन से लोग हैं जो दिन दहाड़े तकरीबन 5:30 बजे के आसपास इस तरीके से जानलेवा हमला करते हैं, इसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस का दावा है कि पूरे सहारनपुर में उन लोगों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार चेकिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में, बड़ा सवाल है। बहुजन समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद पर दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मारने की कोशिश की जाती है और जो गोली है चंद्रशेखर आज़ाद को छूते हुए निकल जाती है, जख्म हो गया है। जख्म तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया हमला, वो काफ़ी कायराना हमला बताया जा रहा है। वहीं मैं आपको ANI का ट्वीट दिखा रहा हूँ। ANI ने लिखा है, भीम आर्मी नेता और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल ले जाया गया, जब उनके काफिले पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया और एक गोली उनके पास से निकल गई है। और तमाम लोग हैं अब जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही बना हुआ है, कौन से लोग हैं और इस तरीके से एक बहुजन समाज के बड़े नेता को गोली मारने की कोशिश की जा रही है, कौन से लोग हैं, उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार दलितों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, शोषितों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, वंचितों अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, उनके ऊपर अब इस तरीके से जानलेवा हमला किया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं डर और जो है कि डर पैदा कर रहा है तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमला करवाया। हालांकि हम इंतज़ार होगा कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों गिरफ्तार कर ले। लेकिन तमाम मीडिया आउटलेट्स में खबरें छपी हैं कि जो हथियारबंद ये लोग थे ही, और ये लोग गाड़ी से आए थे, और जो गाड़ी है वो हरियाणा नंबर की गाड़ी है, यानी गाड़ी हरियाणा की है, और ये लोग हथियारबंद थे और इनकी संख्या तकरीबन 4 थी। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार यही है कि इन लोगों ने हमला कर दिया और इन लोगों ने कई राउंड फायरिंग भी की है, लेकिन एक गोली जो है चंद्रशेखर आज़ाद के कमर को छूती हुई निकल गई। गनीमत रही कि चंद्रशेखर आज़ाद
फिलहाल ठीक हैं, उनकी जो स्थिति अभी खतरे से बाहर है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, और जहां पर डॉक्टर लगातार उनका इलाज करने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, कभी कोई वकील के वेश में आता है तो किसी गोली मार देता है, तो कभी कोई पत्रकार के वेश में आता है किसी गोली मार कर चला जाता है। अब एक खबर है कि हथियार बंद, हथियारों से लैस होकर के चार अपराधी आते हैं, चार लोग आते हैं और चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात ही हो रही थी कि डीजीपी साहब, नए डीजीपी साहब आए, कार्यवाहक हालांकि हैं लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से ही है, जब उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ ही हो, इसके बाद भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये जग जाहिर है, मैंने पहले ही बताया कि कोई पत्रकार के वेश में आता है किसी को गोली मारकर चला जाता है, और कोई वकील के वेश में आता है किसी को गोली मारकर चला जाता है, और अब बहुजन समाज के एक बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके का जानलेवा हमला ठीक नहीं है, काफी निंदनीय है और ये काफी दुखद है कि इस तरीके से हमला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे विरोधी हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि हम कुछ ही घंटों में बहुत जल्द ही जो है कि जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन देखना होगा कि आरोपी कब गिरफ्तार होंगे और उन्हें क्या सजा दी जाएगी। लेकिन बहुजन समाज की बात करना लगता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जो बहुजन समाज की बात करेगा, जो दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, उसके ऊपर इस तरीके से हमले होंगे और ये हमले दलित समाज का साफ कहना है कि तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो दलित समाज के लिए काम करते हैं कि दलित समाज अब बैठेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा, और दलित समाज जो है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता दलित समाज तब तक चुप नहीं रहेगा। और अब चंद्रशेखर आजाद को एक तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ इस तरीके चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरीके का हमला होना एक कतई ठीक नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर किन लोगों ने हमला किया है? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं कि वे कौन से लोग हो सकते हैं कि जो लोग चंद्रशेखर आजाद पर हमला कर रहे हैं, हमला करवाने का काम कर रहे हैं। खबर बहुत दुखद है। धन्यवाद।